अभी की स्थिति हिमाचल प्रदेश में आपकी नज़र से क्या है, क्योंकि आप बहुत अरसे से राजनीति को देखते परखते, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को मतलब एक तरह से पूरा रचे बसे आदमी रहे हैं। अभी स्थिति बहुत अच्छी है, चारों के चार जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि 10 साल का मोदी सरकार का कार्य उपलब्धियों भरा रहा है ये कार्यकाल, और प्रदेश सरकार जो 16 महीने से प्रदेश में काम कर रही है कांग्रेस की, वो पूरी तरह सफल रही है लोगों की भावनाओं को पूरा करने में। जो वायदे उन्होंने किए थे कोई वायदा पूरा हुआ नहीं, तो लोग प्रदेश सरकार से निराश हैं और केंद्र से प्रसन्न है, इसलिए भारी बहुमत के साथ चारों उम्मीदवार भाजपा के लोकसभा जीतेंगे। ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, आप जैसे बता रहे हैं कि बहुत सारे विकास के काम हुए हैं, राहुल गांधी और उनकी टीम अक्सर ये आरोप लगाती रही है कि केंद्र सरकार के चलते, नीतियों के चलते बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, और वो अक्सर अपनी दलीलों में ये दिखाते हैं कि सरकार में जो है तानाशाही बढ़ी है। देखिए, विपक्ष के लोग तो सरकार के खिलाफ बोलेंगे, उनका तो काम ये है, और क्या तारीफ करेंगे सरकार की। लेकिन बेरोजगारी या महंगाई बढ़ने की जो बात है, वो रोजगार केवल सरकारी नौकरी को गिनते हैं। स्टार्टअप, स्टैंडअप आदि योजनाओं के माध्यम से करोड़ों नौजवानों को जो धन उपलब्ध कराया गया और अवसर दिया गया कि वो अपना काम शुरू करें, जॉब सीकर बने के बजाय जॉब प्रोवाइडर बने, खुद भी काम करें और 5-7-10 लोगों को और को काम करवाएं, तो उससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं। प्रोविडेंट फंड के नंबर बढ़ा लोगों का करोड़ों में, और महंगाई की जहाँ तक है, महंगाई की दर कांग्रेस की सरकार के टाइम में डबल डिजिट्स में रहती थी, 10 से ऊपर ही थी, यहाँ 5-5.5 से ऊपर नहीं गई, तो महंगाई भी कंट्रोल में है और बेरोजगारी भी कंट्रोल में है। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल साहब, जिन्होंने हमारे साथ न सिर्फ अपने अनुभवों को साझा किया, चूँकि तबीयत थोड़ी नासाज थी और लगातार सुबह से इंटरव्यू भी दे रहे हैं इसी में, तो हमें इतना समय इन्होंने दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, समीरपुर, हिमाचल प्रदेश।